और शुरू शुरू में जब बर्गर फैमिली चला तो काफ़ी पसराई मिली थी आपको, काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट किया था, बहुत अच्छा। तो फैन रिएक्शन कोई बताएं तब जब लोगों ने पहचानना शुरू किया? कोई याद है आपको? नहीं, मुझसे पहले भी लोग उससे मुझे पहचानते थे, लेकिन बर्गर फैमिली से हाँ बहुत ज़्यादा एकदम से वो एज अ मॉडल तो, लेकिन वो टीवी पे तो रीच डिफरेंट होती है ना वो तो, और फिर वो रोल और वो ड्रामा भी एक अपना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था उस ज़माने के हिसाब से। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अब सोचती हूँ ना तो मुझे पता चलता है कि अच्छा मैंने, मुझे इतना ज़्यादा स्टारडम मिला, उस वक्त ना मैंने कभी इस चीज़ को सोचा भी नहीं। उस वक्त नहीं हिट किया था आपको? नहीं, मुझे पता ही नहीं था ना, क्योंकि मैं जब मैं मिल भी रही हूँ ना बाद में, तो आपकी What's the big deal about, you know, that? But as a person who's been watching a lot of dramas, for me, you know, like, I think, alhamdulillah, I am so blessed. देखिए सबकी ज़िंदगी में ना एक रास्ता होता है जहाँ से आप गुजर के आते हैं, तो प्रॉब्लम्स भी होते हैं उसमें, अच्छाइयाँ भी होती हैं, मसाइल भी होते हैं, लेकिन जब आप एक जगह पहुँचते हैं, आप देखते हैं उसके पीछे की तरफ, तो मुझे आपको लगता है कि वो सारा रास्ता आपके यहाँ तक आने के लिए था, वो सारी जो भी चीज़ें थी। तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो अल्लाह ताला ने इस तरह से कॉम्पनसेट किया, मुझे इतना सब कुछ ऐसे आसानी से मिला जो मैं अब सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ इट्स नॉट ईजी कि टेलीविज़न एंड यू नो द फेम, और मुझे अब लगता है कि अच्छा मैं इतनी मशहूर थी, अच्छा मुझे एकदम से इतना स्टारडम मिल गया था। अब मैं उस चीज़ को सोचती हूँ तो अब मैं देखती हूँ तो अब तो किसी को स्टारडम नहीं भी मिला होता, तो लोग इतना ज़्यादा एक उसमें अपने आप को स्टार, मतलब दे आर फुल ऑफ देम सेल्व्स, दे आर स्टार इन देयर ओन वर्ल्ड, के हम तो पता नहीं क्या हैं। तो हम तो कभी सोचते ही नहीं थे, और मैं तो अभी भी नहीं सोचती, और मैं कभी नहीं सोचूंगी मैं जैसी हूँ। लेकिन कोई किस्सा सुनाए जब आपने निकलना शुरू किया, लोगों ने पहचाना, कोई वाक़या हुआ कुछ जिससे आप? उस वक्त सिर्फ एक दफ़ा हुआ था, मेरी जब शादी होने वाली थी तो मुझे बड़ा शौक़ हुआ, मैंने कहा अच्छा मैं सदर जाके ख़ुद अपने लिए ना कोई क्रॉकरी थी वो, तो मैं उसकी शॉपिंग करूँगी और मैं जाऊँगी, और मैं बड़ा बुरका पहन के गई ना ऐसे नकाब करके, और मैंने कहा अच्छा मैं ना इस दुकान से, मुझे कोई था कोई स्पेसिफिक कि मुझे ये लेना है। तो जब वहाँ गए तो जब बात करनी शुरू की तो उन्होंने ना एकदम से कहा कि ये तो फजीला काजी है, टीवी पे आती हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, फिर पीछे सब फजीला काजी। अरे भाई वो मैं भागी, मम्मी ने कहा चलो चलो चलो, मेरा भाई खड़ा था गाड़ी में, बैठ के भाग गया वहाँ से, मैं कुछ नहीं खरीद सकी। तो मैं अब भी सोचती हूँ, अभी भी मैं जाती हूँ मॉल वगैरह में, डॉल्बिन में जाती हूँ, तो वो मुझे ना मास्क मैंडेट था तो पहचान जाते हैं, तो मैं कहती हूँ कैसे पहचानते हैं आप लोग? नहीं, आपकी आंखों से पहचान जाते हैं, और आवाज़ से नहीं, आपकी आवाज़ से पहचान जाते हैं। हाँ, तो वो पहचान जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला की ये कोई मेरे पे करम है कि लोग इतना मोहब्बत करते हैं कि पहचान जाते हैं। तो आपने अपना क्राफ्ट ओवर द टाइम कैसे चेंज किया, क्योंकि जब शुरू में आई भी थी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, जो जैसे जैसे प्रोजेक्ट करी, ट्रेनिंग तो हो ही नहीं सकती ना उस ज़माने में, तो कुछ भी नहीं था। कोई लोग थे एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स उस वक्त, जिन्होंने आपको हेल्प की, जिनका आप आज कुछ बता सकती हैं, जिक्र कर सकती हैं कि इसने मुझे ये डायरेक्ट किया, इसने मुझे ये गाइड किया, कुछ ऐसा सुना सकती हैं हमें? देखिए हेल्प तो आई डोंट नो, मुझे लगता है लोगों के साथ ही सीखा, लेकिन हाँ ये मेरे साथ एक अच्छा हुआ कि मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया वो सब बहुत अच्छे लोग थे। जैसे मेरा जो पहला शॉट था काजी वाजिद और इरशाद हाशमी साहिबा के साथ था, वो दोनों मेरे पेरेंट्स बने हुए थे। फिर जमशेद अंसारी थे उस ड्रामे में, फिर अथरशा खान जेदी साहब वो उस ड्रामे में थे भी, राइटर भी थे और एक्टर भी थे उसके, और फरीद खान थे उस ड्रामे में, और बहुत सारे लोग थे उस ड्रामे में। हमायूं नाज थे उस ड्रामे में, और दूसरा एक खुर्शीद इस्लामाबाद के थे, वो थे उस ड्रामे में, खुर्शीद खान आई थिंक उनका नाम था। तो बहुत सारे लोग थे। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्टली थोड़े दिनों के बाद ही मोइन अख्तर साहब के साथ काम किया रोज़ी में। उसमें हमीद वाइन साहब वाज माय फादर, तो और कौन था उसमें, और भी काफ़ी, अर्श मुनीर भी थी उसमें। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस ही हैं। हाँ, लेकिन इनमें से किसी ने भी मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मुझे कुछ नहीं आता या मैं नहीं आई हूँ। ये भी उनका बड़ा, हाँ सीरियसली, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इस तरह। बट आप उनसे पिक कर रही थी, आप देख रही थी, बस आप सीखते जाते थे। फिर आप विद द टाइम, आप जब अपने आप को देखते हैं, फिर आप अपनी गलतियां देखते हैं, ढूंढते हैं कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। वो सब चीज़ें आप विद द टाइम सीखते हैं अगर सीखना चाहते हैं तो, और तभी आप आगे बढ़ते हैं, वरना फिर आप वहीं ख़त्म हो जाते हैं अगर आप कुछ भी नहीं सीखें या अपने आप को आप अपनी करेक्शंस नहीं करें। बिल्कुल। अगर आप अभी मुड़ के अपना जर्नी देखती हैं तो क्या लगता है क्या चैलेंज था आपका यहाँ तक आने के लिए? क्या चैलेंज था? मतलब मैंने तो कोई किसी चीज़ को आसान तो लिया ही नहीं, हर चीज़ को मैंने चैलेंज ही समझा। बिकॉज जब मैं मोइन अख्तर साहब के साथ रोज़ी कर रही थी तो मुझे इतनी शर्म आती थी उनके साथ, वो उसमें वो इस तरह के वो हीरो थे, तो वो इस तरह की कोई होता था ना कोई इस तरह की रोमांटिक कोई जुमला देते थे तो मैंने अंदर से मैं इतनी नर्वस होती थी, मैं कहती थी मैं पता नहीं कैसे एक्ट कर रही हूँ, मैं छोटी सी थी, पतली सी मेरी आवाज़ थी, 17-18 साल की उम्र में आपकी कैसी आवाज़ होती है, बारीक सी, तो अजीब ही मुझे लगता था। बट फिर जब मैं इसको ऑनलाइन देखा तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मुझे ये करेक्शन करनी है, ये अच्छा देख के आपने सोचा? हाँ, मतलब इस तरह हर ड्रामे के बाद फिर मैंने दश्त किया था, आबिद अली साहब उसके डायरेक्टर थे एंड उसमें भी सारा कोई क्या जितने भी थे कास्ट सारी बड़ी तो प्रेशर फील हो रहा था उस वक्त जब आप ये कर? नहीं नहीं कुछ नहीं फील होता मुझे, जब मैं कुछ किसी काम में कूद जाती हूँ तो फिर कूद जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ देखी जाएगी अल्लाह मालिक है, प्रेशर मैंने कभी नहीं फील किया। और इसीलिए आई थिंक मैंने कभी भी कभी किसी की, एक होता है ना हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमारे पास क्या हर जगह होता है दुनिया में कि लोग इनसिक्योर हो जाते हैं आपको देखकर या लोग आपसे परेशान होते हैं, मैं कभी किसी को देख के इनसिक्योर नहीं हुई, मैं कभी किसी से परेशान नहीं हुई। मुझे लगता है कि मैं हूँ और जो वो दूसरे हैं वो हैं, यू नो मतलब आप किसी की जगह नहीं ले सकते, तो आपकी हर किसी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, तो किसी से इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। किसी को ऐसे होता है ना कि आप तंग करें सेट पे किसी को या किसी को ऐसे कोई अंडर एस्टिमेट करें, डिग्रेड करें, कोई इस तरह की चीज़ें करें, अगलों को तकलीफ़ दें, ऐसा कुछ मेरे साथ 1-2 लोगों ने कुछ करने की कोशिश की अब आके, तो मैं तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज़ मुझे लगता है कि मैं हूँ और अल्लाह ताला ने जो मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे हर तरफ से कहीं से भी मिल जाएगा। तो ये नई जनरेशन के लोग थे या पुराने? नहीं नहीं पुराने, नए वाले तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा। नए वाले तो मस्त बच्चे हैं। okay, हाँ हाँ उनके साथ तो मेरी बड़ी दोस्तियाँ हैं। नहीं पुराने भी, और आई डोंट नो आई थिंक कुछ हो जाती हैं इनसिक्योरिटीज़, बट आई थिंक अपने पे फोकस करना चाहिए, हम जो हैं वो हैं ना। बिल्कुल, और वो जो हैं वो हैं ना, वो मेरी जगह ले सकते हैं ना मैं उनकी जगह ले सकती हूँ। अच्छा दश्त और दश्त के सेट से कोई इंटरेस्टिंग वाकया सुना सकती हैं, कुछ याद है आपको? दश्त वाज अ फन थिंग, या दश्त वाज फन। हमने गवादर देखा, सबसे इंटरेस्टिंग वाकया तो ये कि हमने पहली दफ़ा गवादर देखा और हमने एक ऐसा खूबसूरत समंदर देखा जो बहुत ही साफ था, बीच और सैंड्स, ड्यून्स, यू नो सहरा ही था ना दश्त, और फिर हमने वहाँ मछली खाई बहुत ज़बरदस्त, और वहाँ हमारी बहुत अच्छी दोस्तियाँ हुई सब लोगों से और जिनके साथ भी काम किया। वहाँ पे हमने ईरान क्योंकि करीब था बॉर्डर, तो ईरान की बहुत ज़्यादा चीज़ें आती थी तो हमने वो चीज़ें खरीदी। मतलब टूरिस्ट थे आप लोग तो? हाँ हाँ, तो फुल पार्टी चल रही है, फुल फन था वो, और क्योंकि मोहब्बतें थी उस वक्त लिहाज था, उस वक्त सबिया खानम जी के साथ मैंने उसमें काम किया, वो अच्छा। मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है मेरी ज़िंदगी की कि मैंने सबिया खानम जी के साथ काम किया उसमें। और बट कोई वाकया हुआ, कोई किस्सा हुआ? वाकया यही ना, हमने मछलियाँ खाई, हमने सब कुछ किया। असद के साथ मेरी बड़ी लड़ाई हुई होती थी क्योंकि असद का वो फर्स्ट आई थिंक सीरियल था, आई डोंट नो मतलब उसका स्टार्टिंग का ही था, और होता है ना ज़रा नए नए बच्चे ज़रा जज्बाती बच्चे होते हैं, मैं भी वो भी, तो असद के साथ मेरी 1-2 लड़ाइयाँ हुई, फिर उसके साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई, तो ओके चलता रहता है। और रोजी के सेट से मोइन अख्तर साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, कोई बात उनके बारे में बताएं? भाई एक लेजेंड, एक इतना बड़ा आदमी, मतलब मोइन अख्तर साहब इतना बड़ा एक्टर, उस आदमी में इतनी इनकसारी थी कि उसने कभी अपने सामने वाले एक्टर को इस तरह नहीं ट्रीट किया कि आपको लगे कि आप नर्वस हो रहे हैं या इस आदमी की मौजूदगी से आप पे प्रेशर पड़ रहा है। नो